नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस में दो धड़े बन चुके हैं और आर पार की लड़ाई है। एक तरफ पांच राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुछ करके दिखाने की है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से जम्मू में G23 यानी असंतुष्ट धड़े ने कांग्रेस नेतृत्व खासतौर से राहुल गांधी को चुनौती दी, उसका जवाब ढूंढने में गांधी खेमा लगा हुआ है। पांच राज्यों के चुनाव है, लिया जा लड़ाई मोल भी नहीं सकते। उसके बाद जो है अध्यक्ष का चुनाव है, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष का, तो फिर इसका जवाब कैसे दिया जाए, कांग्रेस क्या रणनीति बनाए। तो इसमें ये रणनीति अब बन रही है कि जिस तरीके से संतुष्टों ने ये कहा है कि कांग्रेस हमारी है, हम ही नई कांग्रेस बनाएंगे, वो साफ साफ चुनौती है अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की, और बात न बने तो कांग्रेस से अलग हो जाने की भी। जो भगवा साफा है वो भी कुछ संकेत दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गुलाम नबी आज़ाद ने तारीफ़ की, वो भी बहुत कुछ कह रहा है। हालांकि दावे के साथ राजनीति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पता नहीं कब कहां किस मोड़ पे कैसी करवट ले ले। अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि कैसे अपने परफॉर्मेंस को सुधारा जाए, ताकि जब चुनाव का परिणाम आए तो कह सकें कि आप तो अलग थे, आप तो बगावत कर रहे थे और हम मैदान में थे। इस समय कार्रवाई करने की स्थिति में कांग्रेस है नहीं, लिहाजा असंतुष्ट नेताओं को ये सलाह दी गई कि जहाँ पाँच राज्यों में चुनाव हैं वहाँ ज़मीन पर संघर्ष करें, और बात कह करके आगे बढ़ गए। अब यहीं पे एंट्री होती है प्रियंका गांधी की। आपने गौर किया होगा कि जब से प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है, यानी कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उनको महासचिव बना करके उत्तर प्रदेश का आधा प्रभार दिया गया था, और आधा प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था। प्रियंका गांधी को यूपी में ही समेट दिया गया था। आपने देखा होगा अपवादों को छोड़ करके प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकली, यहां तक कि बिहार का इतना महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव हो रहा था उसमें भी वो नहीं गई। लेकिन अब वो असम में कामाख्या देवी की पूजा अर्चना करके और चुनावी सभा कर रही हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है, 27-1 और 6, यानी 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वहां पर चुनाव है, 2 मई को परिणाम आएगा। इस बीच एनडीए का दामन छोड़ करके बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने कांग्रेस का दामन थामा है, यानी कि दोनों में समझौता हो गया है। कांग्रेस को साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, असम में कुछ किया जा सकता है क्योंकि असम उसका गढ़ रहा है। रही बात 3 दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की, तो केरल में जरूर उसकी संभावना बनती है, क्योंकि एक बार LDF एक बार UDF कुछ इस तरीके की तस्वीर वहाँ पर आती है, लेकिन उसका अब सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन असम पे है, क्योंकि असम कुछ कर सकता है, कुछ दिखा सकता है। उसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को अन्य राज्यों में भी भेजा जा सकता है, और एक तरह से प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए ढाल बन करके उभरी है। जो असंतुष्ट जो वार कर रहे हैं उसमें वो ढाल बन करके उभरी हैं और उनका बचाव कर रही हैं। यदि इस चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिल करके कुछ अच्छा कर गए, फिर उन्हें असंतुष्टों पे हावी होने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब बिहार विधानसभा चुनाव में हार का हवाला दे करके असंतुष्ट धड़े के बड़े नेता कपिल सिब्बल वार कर रहे थे, तब जो है इधर से जो गांधी परिवार के समर्थक लायल नेता आए थे, अधीर रंजन चौधरी हो चाहे और नेता हो, उन्होंने ये कहा था कि आपने क्या किया बिहार विधानसभा चुनाव में, हार या जीत के बाद एनालिसिस करना आसान है, जब संघर्ष हो रहा था, जब चुनाव हो रहा था, तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। यानी कि आप सिर्फ जो है मंच से बातें बनाते हैं, असंतुष्ट गतिविधियां चलाते हैं, लड़ाई तो हम लड़ रहे थे, ठीक है, कौन कितनी लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी पे अगंभीर राजनीति करने का आरोप लगता है, वो आरोप लगा करके और भाग जाते हैं, टिकते नहीं हैं, चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। बिहार चुनाव में शिवानंद तिवारी ने उनको आड़े हाथों लिया था, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने जो कमान संभाली है, जो राहुल के लिए ढाल बनी है, यदि उनका करिश्मा काम कर गया तो निश्चित रूप से फिर से गांधी परिवार मजबूत होगा, और यदि करिश्मा काम नहीं कर पाया तो असंतुष्टों को हावी होने का मौका मिल जाएगा। और जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि हार जो है कांग्रेस की नियति हो गई है, कि हम हार अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसको मजबूत करने के लिए नीचे से ऊपर तक चुनाव कराने की जरूरत है, जो चुनाव नहीं करा रहा है गांधी परिवार, वो जो है फिर हावी होने लगेंगे। तो कांग्रेस के लिए ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव करो या मरो का है। इसमें प्रियंका गांधी का की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। साउथ में राहुल गांधी जो है चक्कर लगा रहे हैं, तमिलनाडु, केरल और
पुडुचेरी में। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में किस तरीके से वो जब एक स्कूल में गए तो वहाँ पे बच्चों के साथ, लड़की के साथ जो है पुशअप कर रहे हैं, और उधर उसके पहले वो केरल में गए थे त्रिवेंद्रम में, जहाँ उत्तर और दक्षिण की राजनीति की उन्होंने तुलना कर दी थी, और इधर असम पे निकली हैं प्रियंका गांधी। देखते हैं कि ये जो भाई बहन निकल करके और सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं इसका क्या नतीजा आता है, क्योंकि निश्चित रूप से पहले के मुकाबले मोदी सरकार के प्रति लोगों में असंतोष बढ़ा है। वो असंतोष है महंगाई का, डीजल पेट्रोल सीएनजी पीएनजी की कीमतों में वृद्धि का, वो असंतोष है किसानों में अपनी फसल का उत्पादन न मिलने का, असंतोष है बेरोजगारों में, नौजवानों में रोजगार न मिलने का, और जो कोरोना का कहर है उसमें जो ये लगभग 10 महीने तक लोग घरों में लॉक रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन वो डिप्रेशन अलग है, और जब भी चुनाव में मौका मिलता है वो बाहर आता है, तो क्या वो बाहर निकलता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।